तो देखिए यहाँ पर है फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, यानी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना। अब किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना, जैसे आपको पता है 1 से 30 स्क्वायर तक लर्न होना चाहिए। तो बोलो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 1 मल्टीप्लाई 1, इट मीन्स 1 होगा। 2 का स्क्वायर मतलब 2 का वर्ग कितना होगा? 2 × 2 इज इक्वल टू 4 होगा, 4 होगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा? मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 9 होगा, 3 × 9 होता है ना। और अच्छा 4 का स्क्वायर क्या होगा? 4 × 4 क्या होता है? 16, 16 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36 होगा। 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49 होगा। और 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64 होगा। और जो है 9 का स्क्वायर क्या होगा? आप कहोगे 81 होगा। 10 का स्क्वायर क्या होगा? बोलो 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100 होगा। और 11 का स्क्वायर क्या होगा? 121 होगा। 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144 होगा। और 13 का स्क्वायर होगा? 169 होगा, 169। मतलब 13 × 3 = 169। क्लियर है? इसके बाद देखिए 14 का स्क्वायर क्या होगा? आप कहोगे 196, 14 × 14 = 196। और 15 का स्क्वायर क्या होगा? 225 होगा। क्या होगा? 225। 16 का स्क्वायर क्या होगा? कितना होगा? 256 होगा। और 17 का स्क्वायर होगा 279, नहीं 289 होगा, ध्यान देना। क्लियर है? 18 का स्क्वायर होगा 324 होगा। और 19 का स्क्वायर होगा 361 होगा। और 20 का स्क्वायर होता है कितना? होता है 400 होता है। 21 का स्क्वायर होता है, आगे देखिए 22 का स्क्वायर होता है 484 होता है, मतलब 22 को 22 से गुणा करेंगे तो 484 आएगा। 23 का स्क्वायर होता है, 23 को जब 23 से गुणा करेंगे तो 529 होता है। 24 का स्क्वायर होता है, 576 होता है। और 25 का स्क्वायर होता है, 625 होता है। और 26 को 26 से गुणा करेंगे तो आंसर आता है कितना? 676 आता है। क्लियर है? और 27 को 27 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 729 आएगा। और 28 को 28 से गुणा करेंगे तो 784 आएगा। और 29 को 29 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 941 आएगा। क्लियर है? और 30 को 30 से गुणा करोगे तो आएगा 900, अब यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, 841 आएगा, है ना। 29 को 29 से गुणा करोगे तो, जैसा कि देखो 30 तक तो याद होना चाहिए, नॉर्मली सबको याद भी रहता है, लेकिन ठीक है मैं आज एक तरीका बता दूंगा। हर नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हो। एक तो देखो 5 वाला, ये चीज़ें सबको पता रहती हैं। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 हो, जैसे मान लीजिए हमें 15 का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले 5 के प्लेस पर हमें क्या लिख देना होगा? 25 लिख देना होगा। यहाँ पर अब यहाँ से 1 हो तो 2 से गुणा कर देना होगा, तो 1 × 2 = 2, या 2 × 1 = 2, 225 आ गया। इसी तरह यहाँ 25 का स्क्वायर हो तो 5 का 25 हो गया, है ना, लास्ट में तो 25 रहेगा। यहाँ 2 है तो किससे गुणा कर दोगे? 3 में। और 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर है? मान लीजिए 35 है तो इसका कैसे निकालोगे? देखो 3 है तो आप किससे गुणा करोगे? 4 से। और 4 × 3 होता है 12, यानी कि आंसर हो जाएगा 35 को 35 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 12, 25 हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए 45 स्क्वायर है तो यहाँ पर देखिए 4 है तो किससे आप गुणा करेंगे? 5 से 4 × 5 = 20, यानी कि 45 को 45 से गुणा करोगे तो कितना आंसर आएगा? 20, 25 आएगा। अगर मैं 55 की बात करूँ तो आप कहोगे यहाँ 5 है, इसका मतलब 6 से गुणा करेंगे। बिल्कुल है, 5 × 6 = 30 होता है, 6 × 5 = 30 होता है। और यानी कि 55 को 55 से गुणा करेंगे कितना होगा? 30, 25। चलिए अगर 65 का स्क्वायर पूछें तो आप कहोगे 6 है तो किससे गुणा करें? 7 से। और 7 × 6 कितना होता है? 42, यानी कि 42, 25 हो जाएगा। और अगर यहाँ 75 का स्क्वायर, 75 को 75 से गुणा करोगे आंसर आएगा 7 है तो गुणा होगा किससे? 8 से। 8 × 7 = 56, यानी कि 75 को 75 से गुणा करोगे कितना आएगा? 56, 25 आएगा। अगर मान लेते हैं 85 है तो यहाँ 8 है, 9 से गुणा करोगे, 8 × 9 = 72 है, 9 × 8 = 72। और 85 को 85 गुणा करने पर कितना आंसर आएगा? 72, 25 हो जाएगा। इसी तरह समझ पा रहे हैं ना, इसी तरह 95 स्क्वायर को अगर करोगे, 95 को 95 से गुणा करोगे, 9 है तो 10 से, 9 × 9 = 90, यानी कि हो जाएगा 90, 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो
ये भाई ये ऐसा रूल है ना, हर जगह फॉलो होता है, कोई भी नंबर हो। बस यहाँ पर आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। कैलकुलेशन का मतलब, जैसे 105 है, 105 को 105 से गुणा करोगे कितना आंसर आएगा यहाँ पर। तो यहाँ 10 है, अभी 5 के स्थान पर मैंने चलो 25 लिख दिया, यहाँ पर है क्या 10 है, तो 10 को 11 से गुणा करोगे, 10 गिरे हैं में 110 या 11 धाम में 110। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो तुरंत आंसर। इसी तरह मैं बात करूँ, अगर मान लो 115 को 115 से गुणा करोगे कितना आंसर आएगा, तो बस हम बार बार करें, कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। यहाँ 11 है तो गुणा किससे करोगे, 12 से, है ना। तो यहाँ पर 11 ब्रह्म कितना होगा या 12 ग्रह्म कितना होगा, है ना। तो 12 ग्रह्म कितना होगा बताइए। हाँ 132 होगा, 12 ग्रह्म कितना होगा 132। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 132 और 25, ये आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आया। बस इसमें कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप ले लिए 145 को 145 से गुणा करेंगे, तो भाई देखो 14 है, गुणा किससे करोगे 15 से, है ना। तो 14 14 ही हम 196, 196 और 14 और कर दो तो 196 चार 200 और यहाँ 10 210 25 हो जाएगा। यानी कि अगर 145 को 145 से गुणा करोगे तो आंसर क्या आएगा, 210 और 25, यानी कि 21025। समझ पाए इतना, ये कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। चलो ये तो हो गया 5 के लिए, ये केवल किसके लिए अप्लाई होने वाला है, 5 के लिए अप्लाई होने वाला है। लेकिन आप क्वेश्चन ये भी आता है, क्या कोई ऐसा तरीका है ना, क्या कोई ऐसा तरीका है जो हर जगह फॉलो होता है। हाँ उसके लिए एक तरीका है, आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। जैसे देखो यहाँ 35, जैसे मैं आपसे पूछ लूँ, चलिए आप 36 का स्क्वायर बताइए, 36 का स्क्वायर बताइए। तो देखो इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, या तो कोई आपके पास मेथड है, ध्यान से समझना, या तो कोई आपके पास मेथड है ना, या जो है आप वही घिसा पिटा तरीका जिसे आप बचपन से अपनाते चले आए हो। लेकिन क्या होता है, जैसे ये दूसरा तरीका जिसे आप जानते हो, 36 को 36 से गुणा करोगे तो 6 × 36 के 6 हासिल आया 3, और 36 × 18 3 × 21 यहाँ पूरा लिख दोगे, और इसी तरह 3 × 18 क्या 8 हासिल आया 1, 3 × 9 = 10। आप इस तरह से ऐड करोगे और आप बताओगे 6 और 8 = 9 और यहाँ 2 है, यानी कि 36 को 36 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आया, आपने कहा कि आंसर आया 1296 आया। एक तो तरीका ये है, क्लियर है ना, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है कोई शॉर्ट मेथड ऐसे कि आपको मल्टीप्लाई ना करना पड़े, ऐसे ही आप थोड़ा ठीक है कैलकुलेशन करके यूज कर लो। क्लियर है, तो देखो दूसरा तरीका क्या है, जैसे 36 का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर देखो ये लास्ट वाली संख्या और ये पहले वाली संख्या है, ये तो क्लियर है ना। तो सबसे पहले क्या करना, लास्ट वाले संख्या का स्क्वायर कर लेना। तो देखो 6 का स्क्वायर बिना हम गुणा किए हुए बताएंगे, ध्यान देना, इस चीज़ को आपको समझना है ना। लास्ट का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर आप करोगे तो 6 × 6 कितना होगा, 36 होगा, हासिल आया 3 आया, हासिल कितना आया 3 आया। लास्ट का स्क्वायर आप करना है, सबसे पहले क्या करना है, लास्ट का स्क्वायर करना, फिर क्या करना, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 × 18 और उसको दुगुना कर दो। देखो यहाँ पर बढ़िया, जैसे अगर मैं बात करूँ, देखो भाई सिंपल से इतना याद रखो, मैथ मतलब कैलकुलेशन। आपको मैथ्स कितना भी आता हो, यकीन मानो ऐसे कई बच्चे मैंने खुद देखा है, अपने फ्रेंड सर्कल में कई सारे लोगों को देखा है कि मैथ्स आता तो है बट टाइम टेकन की वजह से, मतलब वही क्वेश्चन लगाने में ज़्यादा टाइम लेने की वजह से वो मैथ्स वाला क्वेश्चन छोड़कर चले जाते हैं। इवन मैं भी छोड़कर आया हूँ, ऐसी बात नहीं है, क्लियर है ना। क्वेश्चन तो आता है लेकिन इतना ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाता है कि कैलकुलेशन में टाइम ज़्यादा लेने की वजह से क्या होता है, क्वेश्चन छूट जाता है। अभी किसी भी कंपटीशन में आप जाओगे तो वहाँ पर एक रहता है, टाइम लिमिटेशन रहता है, आपकी बोर्ड एग्जाम में भी टाइम लिमिटेशन रहता है कि आपको इतने टाइम में इतना क्वेश्चन अटेंड करना है, और एग्जामिनर भाई जानबूझकर कैलकुलेटिंग है ना, मतलब ऐसे टिपिकल क्वेश्चन देता है जिसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़े, उसमें आपको यही चेक करना चाहता है कि आपका कैलकुलेशन कितना स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग करने का बढ़िया तरीका ये चीज़ है, जैसे क्या करना, लास्ट का स्क्वायर करना है तो 6 का स्क्वायर 6 × 6 = 36, 36 × 6 हासिल आया 3 आया। अब याद रखो आप माइंड में, है ना, इतना तो अब बच्चे तो हो नहीं कि 3 लिखो, है ना। अब फिर क्या करो, आपस में गुणा कर दो,
जब आपस में गुणा करोगे तो 6 3 18 या 3 6 18 कितना आया 18। फिर उसका दुगना कर दो, ध्यान देना आपस में गुणा करने के बाद क्या करना है, दुगना। 18 दुना कितना होगा 36, तो 6 3 18 18 दुना 36 और हासिल पीछे कितना था 3 था, 36 और 3 कितना हो गया 39 के 9 हो गया हासिल, फिर आया क्या 3 आया, समझे। अब फिर क्या करना है, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करना है, फर्स्ट नंबर का क्या करना है स्क्वायर करना है, 3 3 का 9 और हासिल कितना था 3 था, 9 3 12 12 96 आ गया। कोई कैलकुलेशन क्या किया गया, नहीं किया गया। तो आपने क्या देखा है, इसके लिए सिंपल से क्या करना है कि लास्ट है ना, लास्ट नंबर का क्या करना है स्क्वायर करना है, फिर क्या करना है फर्स्ट नंबर है ना, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है और जो भी है उसको दुगना कर देना है, क्लियर। और इसी के साथ में ऐसे इसको पीछे से चलना है, ठीक है। इसी के साथ में आपको क्या करना है कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करना है, बट यू हैव टू रिमेंबर यू हैव टू कैरी ऑन बाय एडिंग द कैरी, क्लियर है। आपको ये चीज़ याद रखना है कि आपको ये चीज़ कैरी तो रखना है, ठीक है बिल्कुल, लेकिन हासिल को ऐड करते हुए, ये पीछे से प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, बट याद रहे कि जो हासिल बचता है कैरी बचता है उसको जोड़ते हुए चलना है, क्लियर। यही आपको अप्लाई करना है, सबसे पहले लास्ट लास्ट नंबर का स्क्वायर लिखना है ना, स्क्वायर का यूनिट फॉर्म ही लिखना इकाई अंक, फिर जो हासिल बचे उसको, फिर आपस में मल्टीप्लाई करके उसका दुगना करना, ये फिक्स है। और फिर क्या करना है फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करना है। हाँ बिल्कुल मैं समझाऊंगा, जैसे देखो एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, थोड़ा ऐसे टिपिकल टाइप का दे देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पर है 97 का स्क्वायर करना है, क्लियर है, क्या करना है 97 का स्क्वायर करना। अब यहाँ पर ये भी पता चलेगा कि आपका कैलकुलेशन कितना अच्छा है, अगर आप जल्दी जल्दी बता दे रहे हो इसका मतलब कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, अगर आप ऐसे सोच कर बता रहे हो इसका मतलब कैलकुलेशन घटिया है, क्लियर है। तो यहाँ देखो लास्ट नंबर का स्क्वायर करना है, लास्ट में 9 है 7 है, क्या है लास्ट में 7 है, तो जब 7 का स्क्वायर करोगे 7 7 कितना होता है 49 होता है, तो 49 के 9 हो गया हासिल आया 4, आपस में मल्टीप्लाई करो 9 7 63 9 7 63 इसका दुगना करो, 63 दुना कितना होगा बताइए, हाँ 63 दुना मतलब कैलकुलेशन घटिया है ना। तो इसको स्ट्रांग बनाने के लिए इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, जैसे 9 7 63 दुना होता है 126 होता है। अच्छा इसको तरीका ये भी सीखो, 9 7 63 63 का दूना करना है, पहले 60 का दूना कर दो, तो 60 दूना 120 हो गया, इधर 3 3 दूना 6 120 और 6 कितना हो गया 126। आप प्रैक्टिकल तरीका अपना सकते हो, क्लियर है। 63 दूना 126 पीछे हासिल कितना था बताइए, 4 था, 126 और 4 कितना हो जाएगा 130 के 0 हो गया, अब हासिल आया 13 आया है ना, 130 में जब आप 0 लिख दोगे तो हासिल कितना बचेगा 13 बचेगा, याद रखना है। फिर क्या करना है फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करना है, तो 9 का स्क्वायर करोगे 9 9 कितना होगा 81, 81 में जब आप 13 ऐड करोगे कितना आएगा बताइए फर्स्ट, 84 आएगा 94 आएगा मित्र है ना, 81 में जब आप 13 ऐड करोगे तो क्या आएगा 94, तो इसका आंसर हो गया 94 09 हो गया। बस अभी आप चेक कर सकते हैं, जैसे 97 × 97 है ना, 7 7 49 के 9 7 9 63 और 4 67 हासिल को जोड़ देते हैं ना, 9 7 63 के 3 9 9 81 हासिल आया 6 आया है ना, 9 7 63 के 3 हासिल और 9 9 81 81 और 6 कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा, जब आप ऐड करोगे 9 यहाँ 7 3 10 के 0 हासिल आया 1 7 6 13 और 1 14 और यहाँ हासिल तो 1 है ना, यहाँ 8 1 9 देखो आंसर आया कि नहीं, क्लियर है, समझ पाए। एक क्वेश्चन और मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा, बताओगे ना, बोलो नहीं बताओगे, बताओगे चलो ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, अब चलो आप बताओ कौन सा नंबर मैं ले लूँ, 2 अंक में अभी बताओ कौन सा नंबर ले लिया जाए, 82 ले लेते हैं, 62 ले लेते हैं, और कुछ और टिपिकल ले लेते हैं थोड़ा, 92 ले लो, 92 टिपिकल है, 98 ले लो, चलो ठीक है कोई भी नंबर आप ले सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है लास्ट का स्क्वायर करना है ना, तो 8 2 कितना होता है 64, 64 के 4 हो गया हासिल आया 6, हासिल नहीं भूलना ध्यान देना, 8 2 64 के 4 हो गया हासिल आया 6 और फिर आपस में गुणा करो 9 8 72 72 दूना कितना होगा, दूना तिगुना ये सब आना चाहिए कि नहीं, 9 8 72 72 दूना
70 दूना 140 और 2 दूना 4 140 और 4 144, ऐसे प्रैक्टिकल दिमाग लगाओ। 72 दूना 144 हासिल इधर कितना था, 6 था, 8 टाइम 64 हासिल 6 था, तो 144 और 6 150, 150 के जीरो हासिल आया कितना, 15 आया, है ना। 9 नवाई 81, 81 और 15 कितना होगा बताइए, 81 और 15 हाँ 81 और 15 96 होगा, तो यहाँ 96, बस इसका आंसर ये हो गया, है ना। अब बताओ ये वाला तुम्हें आसान है, ये वाला आसान है, आप दिमाग लगाओ, यहाँ पर आप बिना ये सब कैलकुलेशन किए हुए बता दीजिए, है ना। और देखो एक चीज़ और है, इस चीज़ को आप माइंड में भी सेट कर सकते हो। इस चीज़ को माइंड में कैसे सेट करना, देखो इस चीज़ को मैं समझा रहा हूँ, ऐसे समझ लो जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ, जैसे 92 अभी आप कह रहे थे ना, 92 ले लेता हूँ। आपको माइंड में कैसे करना है, है ना, समझ लो आपने माइंड में ये क्वेश्चन लिख लिया है ना, तो आप क्या करोगे, 2 2 जा 4 कैरी कुछ नहीं है ना, 2 2 जा 4 इधर 4 हो गया, ऐसे आपको मानना होगा, है ना, 2 2 जा 4 लास्ट में 4 है, और फिर आपस में मल्टीप्लाई, 9 दूना 18 18 दूना 36 9 दूना 18 दूना 36 हासिल कुछ नहीं था, तो 6 लिख दिए, तो 6 4 मतलब 64 इधर है, नहीं समझे। देखो 2 दूना 4 है ना, 4 अभी ये चीज़ हम तो चलो यहाँ लिख रहे हैं, बट आपको माइंड में लिखना है, 2 दूना 4 इधर 4 है भाई, और 9 दूना 18 18 दूना 36 हासिल कुछ नहीं था, तो यहाँ 64 हो गया। अब दिमाग में आपको मान लेना होगा, ठीक है चाचू 64 तुम रखे रहो, अभी मैं मांगता हूँ, ठीक है समझे, इतना 64 और हासिल कितना बचा है 36 के 6 जब 3 बचा है, सारी चीज़ें दिमाग में करनी है, और ये समझ लो आपका दिमाग है, इस तरह से चल रहा है दिमाग, क्लियर है। हाँ यहाँ 3 है, फिर आप पहले का क्या करो, स्क्वायर करना है, 9 9 81 और हासिल कितना था, हाँ 81 और 3 कितना हो गया, 84 हो गया, इनसे मांग लो भाई 64, तो इधर आ गया 84, इधर कितना आ गया 64, तो दोनों का आंसर इसका कितना हो जाएगा 84 और 64, समझ में आया। इस चीज़ को माइंड में करना है, इस चीज़ को माइंड में करना है, कैसे करना है समझे, क्लियर है इतना, अच्छा। तो इस चीज़ को माइंड में जैसे देखो, मैं आपको एज्यूम करके बता रहा हूँ, एक मिनट आप देख सकते हैं ये चीज़, आप इधर देखिए है ना, जैसे ये चीज़ है, ऐसे समझ लो जैसे आपको करना क्या है, किसका मान लीजिए आपको थोड़ा टिपिकल 67 का निकालना है स्क्वायर, क्लियर है, 67 यानी कि 67 का निकालना है, तो आप क्या करो सबसे पहले एक मिनट ऐसे पकड़ना, मैं आपको खुद करके बता रहा हूँ है ना कैसे आपको करना है, यहाँ पर जैसे आपको जैसे 67 का निकालना है ना, तो 67 का निकालना है, आपके दिमाग में क्या है कि सबसे पहले लास्ट का स्क्वायर करना है, तो 7 का स्क्वायर हमने कर दिया, 7 7 49 49 यहाँ पर है, ऐसे आपको एज्यूम करना होगा है ना, एक दो बार ऐसे थोड़ा ऐसे एज्यूम करोगे, फिर धीरे धीरे माइंड की कैपेसिटी हो जाएगा, सारा काम आप माइंड में ही करोगे। तो जैसे 67 का आपको निकालना है, 67 का निकालना है, तो देखो 7 7 49 के 9 हो गया, यहाँ पर 9 है, ठीक है, आप मान लो 7 7 49 के 9, फिर आपस में गुणा करो, 6 7 42 42 दूना कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, है ना, 6 7 42 42 दूना 84, और इधर हासिल 4 था, 84 और 4 कितना हो जाता है 86, है ना, तो इधर 86 के 6 और उधर 7 7 49 मतलब 6 9 69 भाई तुम 69 रखे, ऐसे माइंड को बोलो, ठीक है इस माइंड में क्या है, इधर क्या है 69 है ना, 69 में ध्यान देना हासिल 8 बचा था, है ना, 86 भाई 6 होगा तो हासिल 8 था, अब क्या करो 67 है ना, 7 वाला काम तमाम कर दिया, अब 6 का देखो, अब किसका देखो 6 का, तो 6 6 36 छाछन कितना होगा 36, 36 होता है और हासिल 8 था, तो 36 और 8 कितना होगा 44 होगा, 44 यहाँ, 44 यहाँ, इधर कितना 69 44 और 69 है ना, यही तो था भाई 44 और 69, तो 67 का स्क्वायर कितना हो गया 44 और 69, बस पहुंच गए, इतना समझ पाए। अब इस चीज जैसे अभी मैंने 67 का स्क्वायर निकाला था, हमने ये चीज़ अब समझ लो, आपका ये माइंड है, ठीक है, ऐसे एज्यूम कर लो, ठीक है, आपने एज्यूम किया 7 7 लास्ट का स्क्वायर करना, 7 7 49 के 9 हो गया है ना, 7 7 49 के 9 हो गया, फिर आपस में हाँ 4 कैरी है, फिर आपस में मल्टीप्लाई करो 6 7 42 2 9 84 है ना, 84 और 4 84 और 4 है ना, 84 और 4 कितना हुआ था 88 हुआ था,
88 के 8 है ना, 88 के 8 आया था। अब यही चीज माइंड में यही गलत होने की, जैसे अभी वहाँ 69 आया था, तो यही चीज गलती मत होने देना, है ना, क्लियर है, ये चीज गलती ना होने देना। तो यहाँ 6 × 7 = 42, 2 × 9 = 84 और 84 × 4 = 88 हुआ, क्लियर है। और इधर फिर 6 × 6 = 36 और 36 और 8 कितना हुआ, 44 हुआ। तो 44 और 89 ये चीज हुआ था, क्लियर है। अभी क्या बीच में हुआ था, 44 और 69 आ रहा था, ये कहाँ से गलती हो रही थी, ये कैरी को ऐड करने से गलती हो रही थी, है ना। तो अभी देखो आपको डायरेक्ट क्या करना है, फील्ड में नहीं जाना है, क्योंकि ये जो 69 है इसको मैंने जानबूझकर थोड़ा सा गलत किया था, क्लियर है ना। रीजन क्या है, देखो वहां पर मैंने 82 बोल दिया था, जबकि आया था, आया कितना था 84। अगर आप ध्यान दिए होंगे 42 × 2 मैंने 84 तो बोला था, लेकिन जब कहा था कैरी 4 ऐड करो तो 82 + 4 किया था, याद है कुछ, अभी अभी 82 बोला था। तो देखो जो गलती होने की पॉसिबिलिटी यहाँ से ज्यादा रहती माइंड में, वो रहती कैरी, वो रहती हैं कैरी। और एक चीज इनको ऐसे सॉल्व करके इनको एक किनारे बैठा दो, फिर दूसरे वाले, फिर बाद में चिपका देना, क्लियर। बट खैर अभी आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं करना है, अभी आपको क्या करना है, एक स्क्वायर से लेकर ऐसे 100 स्क्वायर तक आपको लिखना है, क्लियर है। 30 तक तो याद ही रहना चाहिए, 30 के बाद सारी। लेकिन भाई एक रिक्वेस्ट है आप लोग को कि कैलकुलेटर का यूज करके हुए नहीं करना, नहीं तो आपका कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं है, भूल जाओ, फिर आपका कुछ माइंड सोचने के लिए मजबूर होगा, है ना। माइंड को ऐसा काम करो कि सोचने के लिए भी मजबूर हो जाए, नहीं भाई अब तो काम करना ही होगा, क्लियर है, अब तो काम कुछ करना ही होगा। तो आपको सिंपल सा करना है, जैसे आप मान लीजिए 30 तक आप याद ही रखा है, याद ही रखी है ना, तो आप सीधा ऐसे शुरुआत करो, क्लियर है। जैसे मान लो 11 से आप शुरुआत कर रहे हो, तो देखो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, अब वापस मल्टीप्लाई 1 × 1 = 1 और 1 × 2 = 2, है ना, हासिल कुछ नहीं था, तो यहाँ 2 हो गया, फिर 1 का स्क्वायर 1 × 1 = 1 हासिल कुछ नहीं था, 121 हो गया। 30 तक याद रहेगा तो और अच्छी बात रहेगी। जैसे आप 31 से शुरू किए, तो लास्ट का स्क्वायर 1 × 1 = 1 हो गया, फिर आपस मल्टीप्लाई 3 × 3 = 3, 3 × 2 = 6 हो गया, है ना, और इधर फिर इधर 3 × 3 = 9 हासिल कुछ नहीं था, तो 31 का स्क्वायर 961 हो गया, क्लियर है। इसी तरह आप 32 का शुरू करो, 32 का लास्ट का स्क्वायर 2 × 4 हुआ, हासिल कुछ नहीं है, 3 × 6 = 12 हासिल कुछ नहीं, 12 × 2, और इधर 3 × 3 = 9 हासिल 1 था 9 × 1 = 10, मतलब 32 का कितना हुआ 1024 हुआ, क्लियर है। ऐसे आपको पहले तो पूरा 100 तक आपको करना है, फिर जब 100 तक हो जाए तो आप मुझे बता दो, मैं उसे मैच करवा दूंगा, क्लियर। बट एक रिक्वेस्ट है कि आपको कैलकुलेशन का यूज नहीं करना है, नहीं तो जल्दी के चक्कर में, और याद रखना जब 100 तक करोगे दिमाग का दही हो जाएगा, दिमाग की तो वाट लग जाएगी, है ना, लेकिन दिमाग का वाट लगाओ, क्योंकि माइंड को ऐसे सोचने पर मजबूर करो भाई। कुछ भी दुगना तिगुना अगर माइंड नहीं कर पाता तब तो समस्या है। जैसे अभी सिंपल सा मान लो मैं एक क्वेश्चन लिख दूं, 77 है ना, तो अभी देखो यहाँ फास्ट बताना, देखता हूँ कितना फास्ट आप बता पाते हो। 7 × 7 कितना होगा, 49 × 9 हो गया, हासिल आया 4, आपस मल्टीप्लाई 7 × 7 = 49, 49 × 2 कितना होगा, अब फंस गए, 7 × 7 = 49, 49 × 2 कितना होगा, अब आप गुणा करके बताओगे 98 होगा। आप ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल यूज करो, दिमाग लगाओ, 50 × 100 तो 49 × 2 कितना, 1 कम है ना, तो 98 होगा, फिर जब 50 × 100 होगा तो 49 × 2 है ना, 49 में 1 कमी और दुगना करना है तो 2 कमी, मतलब 98 होगा, है ना। तो यहाँ 98 हासिल कितना था पीछे, 4 था, 98 और 4 कितना होगा, 102 × 2 हो गया, हासिल कितना आया, 10 आया। अब फिर 7 × 7 = 49 और 49 × 10 कितना होगा, 59। तो ये चीज़ें हुआ, है ना। तो जैसे आप एक बार किए, दो बार किए, तीन बार किए, चार बार किए, तो माइंड सोचेगा अभी ये मानेगा नहीं, ये तो करके रहेगा, है ना। माइंड में जो भूसा है ना वो बाहर निकलेगा, वो सोचने पर मजबूर होगा, दुगना तिगुना हमेशा ये सोचेगा माइंड, भाई एक बार दुगना, दो बार तिगुना, हमेशा इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, ये तो एकदम पीछे पड़ गया है। तो क्या कहीं ना कहीं माइंड ओपन होगा,
क्लियर है? देखो माइंड हमारा हमारे अनुसार काम करता है। अगर इसको हम अच्छे काम में इन्वॉल्व करेंगे तो शुरुआत में कहेगा अबे बेकार है, क्या मोह माया, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, ये कहेगा नहीं यार अब तो करना ही पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि माइंड अच्छी चीज़ों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता, बुरी चीज़ों को तो भाई ज़बरदस्त एक्सेप्ट करता है, लेकिन अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए बड़ी नौटंकी बाज होता है ना। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कुछ अच्छी चीज़ें बताओ तो ऐसे एक बार में नहीं मानते, 20 बार में उनको जब समझाओ तब उनके समझ में आता है, अच्छा मतलब तुम हमारे भलाई की बात करो, लेकिन थोड़ा सा वैसे बात कर दो उनके फेवर में घूमने इन सब के तब तो देखो, है ना। तो ये चीज़ माइंड सेम इसी तरह से, तो आपको 100 तक बनाना है। क्लियर है? हो जाएगा? ओके।